हाई नमस्ते सलाम जैकी बंदे नाम वेलकम टू माय लाइफ वेलकम टू माय ब्लॉग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड जैकी। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया मेरी माने तो सब सही है ब्रो। और आज मौसम बदल गया है, बारिश आ चुकी है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, बारिश को यहीं से हम एंजॉय करेंगे। एक्चुअली मुझे भीगना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे दूर से बारिश देखना बहुत पसंद है। और ये दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि वो दिन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होता है जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं और ब्लॉग बनाना है। और डेली ब्लॉग में क्या बनाएं? बादल भैया बोल रहे हैं रुक जा रुक जा, सुनाई दे रहा है? हाँ, सो क्या बोल रहा था? हाँ, तो ये है कि आज के दिन में हम व्लॉग कैसे बनाएं, मतलब हमको तो बाहर जाना नहीं है और व्लॉग्स भी बनाना है। कैसे बनाना है बताता हूँ, बना सकते हैं, सब हो सकता है यार, सब सही है ब्रो। हाँ जी, तो देखा आपने, बारिश एकदम आ रही है, बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं सबके सब, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, धन्नू के ऊपर बैठ के। एक्चुअली होता ही है ना कि बाहर नहीं जा रहा हूँ धन्नू के साथ, तो धन्नू के ऊपर बैठ के ही मैं इसका मज़ा ले रहा हूँ। ऐसा ही है अपना, ऐसा ही है अपनी जिस चीज़ हो जाती है ना, अपने अपने दिल के जो करीब चीज़ें हो जाती है वो अपन कभी उसे छोड़ते ही नहीं, तो ऐसा चलते रहता है लाइफ में। बाकी ये बारिश कब रुकी है पता नहीं, लेकिन ठंडा ज़रूर हो रहा है। जी हाँ, ठंड बढ़ चुकी है, बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। तो यार विंटर के बाद तो समर आता है, लेकिन बारिश क्यों आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो सब सही है ब्रो। अजी तो वो कहते हैं ना कि पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक चीज ये भी है कि नो पावर कम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैं नया ब्लॉगर हूँ, मैं डेली ब्लॉग करूँ या फिर मैं वीकली ब्लॉग करूँ, सो ये आपके ऊपर है, आप कितनी पावर लेना चाहते हैं। अगर आप जितनी पावर लेंगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। अगर मैं डेली ब्लॉगिंग का मैंने पावर ले लिया तो मुझे डेली ब्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग वेट करते रहते हैं। अगर एक बार आपके साथ कोई जुड़ गया तो आपके साथ जुड़ जाता है। तो ये समझिए कि अगर आप ब्लॉग करते हैं और फिर कुछ दिन करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, कुछ महीने छोड़ने के बाद फिर से पकड़ते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, फिर आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा अगर आपको चैनल ग्रो करना है। तो अगर आपको टाइम पास करना है तो इट्स ओके यार, एक बार ब्लॉग डाल दो, बाद में फिर कभी मन हुआ डाल दो। लेकिन अगर आप इसे सीरियसली करना चाहते हैं तो आपको ये रोज़ करना पड़ेगा। यही एक फंडा है चैनल ग्रो करने का यूट्यूब पर, और मैं 2K तक ऐसे ही पहुँचा हूँ। मतलब मैं कोई फेमस इंसान थोड़ी हूँ यार, धीरे 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 करके पहुँचा हूँ, अब धीरे धीरे करके और आगे जाएंगे, मज़ा आएगा है कि नहीं। भाई बादल खुल चुके हैं, सूरज चाचू ने बादलों को ऐसा हटा के ऐसी अपनी एंट्री मारी है ना, मतलब देख सकते हैं सूरज चाचू की किरणें अभी अपनी तरफ आ रही है, बादल हट चुके हैं और बारिश रुक चुकी है। ये जो टाइम होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, एकदम माइल्ड माइल्ड वेदर होता है। और इस वेदर में एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा होता है। बाहर तो नहीं जा सकते, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर देखेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये अच्छा हो गया, अभी सही है ब्रो, हो चुका है सही है ब्रो। Hi. 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 Watch दिखा, watch दिखा. Oh, कितनी cool watch है रे. क्या है इसमें? Light. ये बहुत ही बढ़िया. ये जलता है क्या ऐसे कुछ करने से? गैप तो नहीं होती ना? नहीं. रात को जलता है. Okay, चलो bye. 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 Colorful girls. भाई अगर अच्छा मौसम हो और हम अपने धन्नू को लेके ना निकले, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करने, धन्नू को निकाल रहे हैं और थोड़ा बाहर जाएंगे, मौसम एंजॉय करेंगे, देखेंगे क्या कुछ चल रहा है ना। इस मौसम में बाइक राइड करने का एक अलग ही मज़ा आता है, और सच बात बोलूँ तो मुझे मोटो व्लॉग करने में मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ। यार ये खर्चा क्यों किया है मैंने? ये खर्चा इसलिए किया कि मैं मोटो व्लॉग कर सकूँ, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो घर पे रह के कर सकता हूँ। लेकिन बाइक चलाते चलाते आपसे बात करने में एक अलग ही मज़ा आता है। और ये पीछे जितने भी चिल्लर पार्टी है जो कैमरे के पीछे छुपी हुई है, जिनको मैंने बोला है चुप रहो, वो बिल्कुल बहुत मस्ती कर रहे हैं। चिल्लर पार्टी आपके लिए क्या कहती है, आइए ज़रा सुनते हैं। सब सही है ब्रो।
चालू करो। ऑलराइटी, तो मेरे साथ अभी है पीएम के व्लॉग्स और मैं कैसे हो पीएम? सब सही हो, आप बताओ कैसे? मैं बढ़िया हूँ, सब सही है ब्रो। और क्या हुआ कि मैं राइड करते करते इधर साइड आया, अंबाजरी साइड, तो अंबाजरी लेक है। ये आई लव नागपुर का टैग आप देख रहे होंगे, आई लव नागपुर। सो जब इधर आया तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे पीएम के रहता है तो इसके साथ भी ब्लॉग किया जाए। सही बात है, सही बात है। क्या अकेले थोड़ा बोर हो रहा था। सही बात है। इसके पहले मैं आप आए थे तो मैंने बोला भी था ना कि यहाँ पे आऊंगे तो मेरे को बुलाना था। तो इसने बोला था कि यहाँ पे आएंगे तो बुला रहा, तो अपना आ गए, अभी बुलाए। क्या कर रहे थे, ब्लॉग शूट कर रहे थे? नहीं मेरा कुछ नहीं, मैं पढ़ के बाद सूटा था तो अभी बैठा था, आपका कॉल आया तो मैं बोला चलो मिल ही लेते, आप फ्री बैठे तो। वैसे ही मिलना कम होता है अपना, है कि नहीं? पिछली बार अपन एनिसा से मिले थे, एनिसा के बर्थडे के करके है ना, उसके बाद कभी मिलना ही नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, आप क्या आप नज़ारे एंजॉय करो यार, कम ऑन यार, लेट्स गो। भैया के 2K हुए, कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, बहुत सही है, मतलब अच्छे ब्लॉग्स है। डू सब्सक्राइब टू इंसेंट जगह, सब्सक्राइब पीएम के ब्लॉग्स, और जो बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, कट शॉट देखना इसके मजा आता है। जी काफ़ी सारे बातें हमने कर ली है और यहाँ पे बैठ के काफ़ी सारा टाइम स्पेंड भी हमने कर लिया है। अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा निकलेंगे यहाँ से घर को और दूसरी जगह लेके जाएंगे। बाकी ये आई लव नागपुर, ये हर एक नागपुरी के दिल में बसता है आई लव नागपुर। सो वी लव नागपुर, कम ऑन यार। हाँ यार, मतलब सही है, यहाँ पे एकदम बातें बातें की हमने कितना, मैं तो मुंह दुख गया बातें कर कर। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं आपको कहीं दूसरी जगह, ठीक है? बाकी क्या, बाकी सब सही है ब्रो। ऑलराइट, तो घर वापसी हो चुकी है हमारी और आज बड़ा मजा आया ड्राइव करके, राइड करके। बाल कैसे हो गए यार, मौसम बहुत सही था, ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है नागपुर का, अभी तो समर आनी चाहिए लेकिन विंटर कैसे के आ गया मुझे समझ में नहीं आया। ये पहन क्यों रहा है, ये तो निकालो यार, कम ऑन यार। हाँ जी, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। अभी मेरा शो है, रेडियो शो, उसको प्रिपेयर करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, फिर उसको भेजना है, फिर लोग सुनेंगे, और इसको अभी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। मतलब रात के 2:30 तो हो ही जाते हैं मुझे ये रेडियो शो प्रिपेयर करते करते, क्योंकि मैं एक नहीं दो शो करता हूँ। तो चल रहा है, सब सही है ब्रो, चल रहा है। और बाकी क्या है, बाकी एक ही बात कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपको कुछ भी लगता है ना मेरे बारे में, कुछ भी आपको पूछना है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इनसेन जैकी। जी हाँ, इनसेन जैकी आप सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पर हम दिख जाएंगे, दिख नहीं रहे बाबा, दिख जाएंगे। जबान वो ठंडी सा है ना, जबान लड़कर आ रही है। RJ.Jackie वाला इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो फॉलो ना करें आप, इनसेन जैकी वाला अकाउंट फॉलो करें, क्योंकि अपने को कहा गया है कि RJ वाला थोड़ा साइड रखो और YouTube वाला थोड़ा साइड रखो। तो अभी अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो इनसेन जैकी वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिएगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। अभी अपने व्लॉग आ रहे हैं सुबह 8 बजे, अपन ने फिर से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली है। बीच में कितना बेकार हो गया था, मतलब एक हफ्ता व्लॉग नहीं आ रहे थे, और अभी मैंने ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक हो रहा है। सुबह 8 बजे मिलता हूँ, तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए, दिल पे हाथ रखने का कहने का सब सही है ब्रो। यार ये हमेशा गलत हो रहा है, देखो मतलब आदत छूट गई ना तो ये गलत हो रहा है, फिर से एक और बार करते हैं। दिल पे हाथ रखने का कहने का सब सही है ब्रो। अदियोस अमिगोस, बूम। काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे, चुल्ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे, शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे, रुकावट को काटे जड़ से मंजिल तक पहुंचा दे, जड़ से नाते जोड़े रब से लाके छोड़े सबसे आगे, जिंदगी की इस दौड़ में जो भागे वो ही राजा, रुके पीछे जो